नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं मनीष एंड कंचन पे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक्स सिग्नेचर डीओ पे। ये एक्स सिग्नेचर बोल्ड टेम्परेशन एक्सोटिक स्पाइस फ्रेग्रेंस पे इसका जो रिव्यू है मैं आज वो करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। देखिए आज का जो ये वीडियो है इसमें जो परफ्यूम है मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी बोतल इसको लॉन्च हुए कुछ एक साल के आसपास हो चुका है, ठीक है। ये 250 रुपये का है, वैसे हमारे पे 250 रुपये है इसकी, लेकिन ऑनलाइन आपको ये 130 या 140 के अराउंड मिल जाएगा सेल में। मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है 140 में और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट मैं इसके जो खुशबू है उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। हल्का सा स्प्रे करेंगे, काफ़ी कहते हैं ना हर्ब्स जैसी पाउडर फ्रेगनेंस। एक अत्तर है जिसका नाम है मजमुआ, जो अत्तर लगाते हैं उनको पता होगा, काफ़ी फेमस अत्तर है मजमुआ। उसकी कुछ ना कुछ इसमें टच मुझे आ रहा है, जैसे मजमुआ अत्तर की जो फ्रेगनेंस होती है कुछ कुछ उससे सिमिलर मिलती जुलती खुशबू इसके अंदर आ रही है। हल्का सा मस्क जो है उसका भी टच है इसके अंदर, काफ़ी पाउडर फ्रेगनेंस भी है, एक लेवेंडर का टच भी आ रहा है, लेकिन ये तो जो है स्टार्टिंग की फ्रेगनेंस है। 10 मिनट बाद पता चलेगा कि इसका जो हार्ट नोट है वो किस तरीके का है। हालांकि जो इसकी खुशबू है और जो ऑनलाइन इसका बना रहे हैं इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसा लगता है कि ये फ्रेगनेंस जो है काफ़ी सीरियस फ्रेगनेंस जिसे कहते हैं उनमें से है, क्योंकि इसकी जो लॉन्जेबिलिटी है वो काफ़ी लंबे समय तक है, एक डिसेंट फ्रेगनेंस है। और दूसरी बात है कि जो ये इसका प्राइस है उसमें उस रेंज में एक्स की तरफ से काफ़ी बढ़िया फ्रेगनेंस है मेरे हिसाब से। अगर आप उसे पूछेंगे कि ये फ्रेगनेंस क्या मैं यूज़ करना चाहूँगा, डेफिनेटली मैं फिर से इसको परचेज़ ज़रूर करूँगा, क्योंकि इसकी जो फ्रेगनेंस है आप कहीं भी लगा के जा सकते हो, ऑफिस है, कॉलेज है, कहीं भी लगा के जा सकते हो। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा माइल्ड नहीं है, बहुत ही खूबसूरत फ्रेगनेंस है, बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस है और डेफिनेटली मुझे तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना जो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चुभने वाली खुशबू नहीं है, सॉफ्ट खुशबू है, एक हर्ब वाली खुशबू है, मस्क वाली फ्रेगनेंस है, इसके अंदर लेवेंडर का भी हल्का सा टच है, तो अच्छी खुशबू है। एक सीरियस जो 30+ मेरे हिसाब से जो क्राउड है उनके लिए बेहतरीन फ्रेगनेंस है, हालांकि जो कॉलेज गोइंग यंगस्टर है उनके लिए भी अच्छी हो सकती है। तो ये था रिव्यू मेरी तरफ से एक्स सिग्नेचर का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।